श्री गणेश आए नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम का पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। आज की तारीख 16 सितंबर 2023, आज का वार शनिवार। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, गुजराती संवत 2079 और कली संवत 5125 चल रहा है। आज भाद्रपद माह का 16वां दिवस है और शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9:17 सुबह तक रहने वाली है, तदुपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 6:06 सुबह, सूर्यास्त का समय रहेगा 6:26 शाम को। आज चंद्रोदय का समय है 6:59 सुबह पर और चंद्रास्त 7:13 शाम पर होगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है और आज सूर्य सिंह राशि में विराजमान है। आज का सूर्य नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। आज चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 7:36 सुबह तक रहेंगे, इसके बाद चंद्रमा हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आज का पहला कर्ण भव 9:17 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण बालव 10:15 रात्रि तक रहने वाला है। सितंबर 2023 में आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 17 तारीख रविवार को वराह जयंती, विश्वकर्मा पूजा और कन्या संक्रांति होगी। इस दिन सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 18 तारीख सोमवार को हरतालिका तीज, 19 तारीख मंगलवार विनायक चतुर्थी व्रत, 20 तारीख बुधवार को ऋषि पंचमी और स्कंद षष्ठी होगी, 21 तारीख ज्येष्ठ गौरी आह्वान होगा। आज का योग शुक्ल 4:13 अगले दिन सुबह तक रहेगा, इसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। और दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है। किसी खास कार्य के लिए, किसी खास प्रयोजन के लिए आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा न करें। बहुत ही आवश्यक होने पर अदरक, उड़द अथवा तिल, इन वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का भी सेवन करके अपनी यात्रा प्रारंभ करें। ऐसा करने से दिशाशूल का प्रभाव कम हो सकता है। आइए जानते हैं शुक्ल योग के बारे में। जैसे कि शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा कि जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है तब तक होता है शुक्ल पक्ष। अतः इस योग को मधुर चांदनी रात की तरह से माना गया है। अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। इस योग में गुरु की कृपा या प्रभु की कृपा अवश्य होती है और जो भी आप मंत्र जप रहे हैं वह अवश्य ही सिद्ध हो सकते हैं। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:41 दोपहर तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त का समय 2:22 दोपहर से 3:12 दोपहर तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:32 सुबह से 5:18 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 9:11 सुबह से 10:43 सुबह तक रहेगा। यमगण काल का समय 1:48 दोपहर से 3:21 दोपहर तक रहने वाला है। मित्रों, राहु काल और यमगण काल दोनों ही अशुभ समय है, इसलिए इन समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, नए कार्य प्रारंभ ना करें, अन्यथा कोई विघ्न आ सकते हैं, कार्य अधूरे रह सकते हैं। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। आज शुभ समय 7:38 सुबह से 9:11 तक रहेगा। चर समय 12:17 दोपहर से 1:49 तक रहने वाला है। लाभ समय 1:49 से 3:21 दोपहर तक रहेगा। अमृत समय 3:21 से 4:53 शाम तक रहने वाला है। आज रात्रि के चौघड़िए में लाभ समय 6:26 शाम से 7:53 तक रहेगा।
शुभ समय 9:22 रात्रि से 10:48 तक होगा। अमृत समय 10:48 रात्रि से 12:16 तक रहने वाला है। चर समय 12:16 अगले दिन सुबह से 1:44 तक होगा। लाभ समय 4:39 अगले दिन सुबह से 6:07 अगले दिन सुबह तक रहेगा। मित्रों ये था आज का शुभ पंचांग, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का पंचांग, और इस पंचांग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में लिखें जय माता दी, और आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।